स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउस एट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। तो आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है, मेजर ध्यानचंद जी की सालगिरह भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात हुआ है, उसमें आज उन्होंने खेल की बात की। सबसे पहले तो उन्होंने ध्यानचंद जी की बात की कि वो जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति होगी। एक, जिस तरह से भारत ने हॉकी में प्रदर्शन किया ओलंपिक्स में। दूसरा, मुझे लगता है कि उन्होंने न सिर्फ हॉकी बल्कि जो बाकी खेलों में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा उसकी बात भी की। लेकिन अच्छे प्रदर्शन को उन्होंने कैसे रखा, उन्होंने कहा कि शायद भारत के जो मेडल्स आए हैं या जो बाकी खेलों में अच्छा प्रदर्शन हुआ है वो बाकी बड़े मुल्कों की तुलना में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन भारत की शुरुआत हुई। और ये समझना बड़ा ज़रूरी होगा, उन्होंने युवा पीढ़ी की बात की, उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी एक चीज़ को देखकर प्रेरित होती है और जो खेल के मैदान में हो रहा है उससे शायद न सिर्फ खिलाड़ियों को बल्कि मुल्क के बाकी जो लोग हैं उनको एक ऊर्जा मिलेगी। मुझे लगता है कि ये शायद दवा का काम कर सकती है, क्योंकि आज की तारीख में जो नेगेटिविटी कहें या फिर कोरोना काल में जो बाकी दिक्कतें चल रही थी ओलंपिक्स ने, ओलंपिक्स के बाद पैरालंपिक्स, उस पर जो लोगों का ध्यान गया है और जो भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है उसे ऊर्जा तो मिली है। और मुझे लगता है कि इस बात को समझना ज़रूरी होगा कि खेल के मैदान पर जब आप अच्छा करते हैं तो आपके मुल्क में बाकी लोग अच्छा करना चाहते हैं, ये चीज़ भी होती है। तो ये मन की बात आज हुआ है जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और उन्होंने न सिर्फ ध्यानचंद जी को याद किया बल्कि ये कहा कि आज उनकी आत्मा को वाकई शांति मिली होगी और वो खुश होंगे हॉकी के प्रदर्शन से। और न सिर्फ हॉकी, क्योंकि ध्यानचंद जी को आप सिर्फ हॉकी के लिहाज से नहीं ओलंपिक्स के लिहाज से भी याद करते हैं जो उनके प्रदर्शन ओलंपिक्स में रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो भारत के 7 मेडल आए हैं, अब पैरालंपिक्स भी चल रहा है, उस लिहाज से भी उनको खुशी होगी। और मुझे लगता है कि क्रिकेट के मैदान में भारत की एक आइडेंटिटी थी दुनिया में, आहिस्ता आहिस्ता बाकी खेलों में जो शुरुआत हुई है, उन्होंने कहा ये शुरुआत है और मुझे लगता है ये वाकई ये शुरुआत है, लेकिन इस शुरुआत को आगे लेकर जाना हमारे और आपके हाथ में है। बाकी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तुलना उन्होंने की और शायद एक प्रोग्रेसिव इंडिया खेल के मैदान में होगा तो शायद आपको वो प्रोग्रेसिव इंडिया वाकई दिखे। खैर, ये थी जी मन की बात जो आज उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स डे ध्यानचंद जी की सालगिरह पर आपके और हमारे साथ साझा की। बाकी आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाएं। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउस एट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।